हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद प्रिंसेस। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और गुड़ से पारंपरिक गुलगुले की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, गुलगुला बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलगुला बनाने के लिए हमने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच गरी का बुरादा ऐड करेंगे। गरी का बुरादा ऐड करने से हमारे गुलगुले और भी टेस्टी बनेंगे। जिस कटोरी से हमने गेहूं का आटा लिया था, उसी कटोरी से आधा कटोरी हमने गुड़ लेकर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके से मेल्ट कर लिया है। और मेल्ट करने के बाद हमने ठंडा भी कर लिया है और हमने इसको छन्ने से छान लिया है ताकि इसमें जो कचड़े हों वो निकल जाएं। अब हम इसको गेहूं के आटे में थोड़ा थोड़ा डालकर मिला लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। गुलगुले के बैटर को हमने पेट कर अच्छे से तैयार कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी इस प्रकार से होनी चाहिए, ये देखिए। पांच मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब चलिए हम गुलगुला बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गैस पर पैन रख दिया है और उसमें तेल भी ऐड कर दिया है। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गुलगुले छानेंगे। हाथों से हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट को लेकर इस प्रकार से तेल में छानेंगे। इस प्रकार का आकार हमें देना है। हमारे गुलगुले अब बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा बैच भी तेल में ऐड करेंगे।
हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी गुलगुले बनकर तैयार हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको हमारे गुलगुले की रेसिपी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।